जीना हक हमार तो हम कुछ साधन दिया नीच तो मना कर हम जहर दे दिया अब छीन दे सका जहर हम लेकिन नीचे जाने के लिए 10 किलोमीटर जाना है आना भी है तो कैसे आएगा बच्चा 79 वर्ष लगा हुआ मेरे मोदी जी का कहना है कि गांव गांव में रोड जाएगी लेकिन यहाँ बोलते हैं कि गांव में तुमको रोड ही नहीं है तब साहब क्या करना है आत्महत्या करेंगे हम बाकी क्या करना है जहर खा के मरना है बाकी इनके हमने तो चलो अपनी जिंदगी गुजार दिया है लेकिन हमारी बहुत है ये अभी छोटे से नन्हे बच्चे ये क्या करेंगे इसी रोड के कारण जो है हमें हमारी खुद अपनी माँ जब बीमार हुई थी तो आधे रात में उसमें हम बहुत छोटे थे 5-6 साल के तो आधे रात में हमारी माँ जैसा खत्म हो गई वही हाल हमारी चाची का हुआ वो चाची भी बीमार हुई आधे रास्ते में ले गए वो भी खत्म पर डिलीवरी के साथ आधे रास्ते में खत्म क्योंकि आदमी नहीं मिले ले जाने के लिए हम जाए छोटा बड़ा हम कुछ साधन है नहीं खुद मेरे आदमी 12 बजे तक ठीक छो रात 1 बजे गल में पीड़ा हुई बस मौका नहीं दी क्या हम जीना हक नहीं खाना हक नहीं कुछ नहीं हम दुनिया में इधर ऊन उदानी लोग भितर भितर रोड चली और हम तो ये साधन नहीं है हाँ बच्चा बच्चा से हमारा सीखना बेरोजगार थे ना ये तरह बालक ही छा बेरोजगार बिना स्कूल आ छा थे ना लोग पिछाड़ दिवा हम लड़ू तय क्या खानू लड़ू वो कल कन लोग बच्चों को पालन पोषण कल दिवनू तय कि ना तुम जाता स्कूल माँ हम तुम खो पे खेल क्या कहे मजबूरी है हाँ मजबूरी है उधर से लुगार पे लुगार घास काटना लुगार वो गन मोल गन आता जे लुगार पिसने लुग बच्चा धरया येन का त जिंदगी कटेन च हां आज हमो का कथि पीढ़ी होएगी एक ये पीढ़ी येन का ही बर्बाद होएगी क्या बेमोत माना छे ना बट बट म जाना छे ना लि जाना दर घोगी मांगो बट म जे त खत्म हो जाना तरा छोड़ जाना हां कोन का त मोना पेला ना ओरा ख हां खुद मेरे जाए दुई दो क्या दिया सरकार ने मेरे को हाँ क्या कहवा अभी दाया कर मीता कुछ करी चल हाँ खाली बस ये बाबा ये है वो हमारे लिए कुछ नहीं है बस वोट मांगना तो ओला ये खा और लाइन लगे थे बस हम तो खवा आप पिवा और हम चल पड़े एक कच्चा चाऊ लांग में घोड़े का भाड़ो है 600 एक कट्टा 50 किलो 1200 कहाँ से लाऊंगी 1962 की लड़ाई लड़ी साहब वहाँ हिमाच में नेफा में उसके बाद 1971 में लड़ाई लड़ी पुंछ में उसके बाद 1965 की लड़ाई लड़ी आसाम में वहाँ गए उसके बाद हमने सोचा यार चलो अब दोनों हम नहीं हैं तो दोनों लड़के हमारी जो है फौज में भर्ती है देश रेख से कर रहे हैं लेकिन उसके जो है कोई फायदा नहीं है उन लोगों को जो है कोई फायदा यहाँ हम ऐसे रो रहे हैं और यहाँ जो है कोई जो है सिर दर्द की गोली देने के लिए भी नहीं आता है आज तक कोई पूछता नहीं यहाँ मतलब किसी को कोई भी अधिकारी हो चाहे वो स्वास्थ्य है चाहे वो जो है मंत्री है चाहे वो विधायक तक हमको पता नहीं है कि विधायक कौन है नाम तो सुना हुआ है कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी है लेकिन यहाँ अभी तक जो है हमने देखा नहीं है अब किसके पास हम बोले अब हम तो आप ही के पास रोएंगे ना बच्चे जो है हमारे छोटे बच्चे हैं उसमें रख के गोद में रख के कैसे ले जाएंगे हमारे जो है यहाँ जो है बहन लोग जो मतलब ग्वालियर वगैरह सब है उनका जो है प्रसव होता है तो रास्ते में जो है मतलब चिल्ला देते हैं बच्चा वहाँ चिल्लाता है रास्ते ये तो हमको रोड चाहिए ये तो हमको जो है मतलब विस्तारित चाहिए और ये तो हमें जो है उच्च अधिकारी आ करके और सब छोटे बड़ों को जो है विश बस आखिर यही है साहब भाई कुछ नहीं है हम किसी सरकार के ऊपर दोष नहीं देंगे लिख के देंगे सब जो है लिख के देंगे कि हमको जो है 3 चीज़ें ये लगा लो कि आप ये आज भारत आज़ादी के जो है 73 साल हो गए और हमें भी हम अभी भी गुलाम हैं क्योंकि हमें कोई सुविधा तो है नहीं हम सिर्फ अपना जो अपना खाया कमाया हमारा वहीं तक सीमित है वहीं हमारे यहीं पर एक लड़का था वीरेंद्र चौधरी वो वही पढ़ा लिखा वो भी बीटीसी
मैं न मर था उसका, पर लेकिन उसको यहीं पर सांप ने काटा। जैसे ही कल को उसको लिया तो आज हॉस्पिटल श्रीनगर जा जाते वो भी खत्म हो गया, टाइम पे नहीं पहुंचा क्योंकि साधन नहीं आवागमन का। क्या हो गया उसको? जो है सांप ने काटा, तो सांप ने काटा तो मतलब यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत किया था उपचार क्या करना था, पर लेकिन अब रात का समय था तो रात को अब लोग हम कैसे चलते, रास्ता भी बिल्कुल ऐसी पगडंडी है कि अब थोड़ा अब जाके थोड़ा ज़्यादा थोड़ा रास्ता खुद हमें लोगों ने जो है थोड़ा बहुत करके बना दिया है, पर लेकिन अब रात जैसे सुबह हुई तो मैं घर में जो भी उपचार किया गया जब हॉस्पिटल ले आते जाते भी खत्म हो गया। बारिश आती है तो लाइट गुल, बर्फ़ गिरती है तो लाइट गुल, अब वही समस्या जो है हमारे यहाँ पर कम से कम जो है 7 केस ऐसे हुए कि जो आधे रात में जिन्होंने दम तोड़ दिया, कहीं कागज़ दे दिए कहीं कागज़ दे दिए, कभी बोले हमको भूमि लाओ, हमें जो है 9 हेक्टेयर भूमि दो, हमारे पास सिविल भूमि तो है ही नहीं, हमारा पूरा ये चेकबंदी गाँव है, हमारे पास 1 इंच भी जो है सिविल भूमि है ही नहीं कि हमको 9 हेक्टेयर ज़मीन दो तब हम आपको जो है रोड देंगे, अब हम कहाँ से जाएंगे 9 हेक्टेयर ज़मीन। मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब प्रत्येक जगह सबका विकास होना चाहिए, सब जगह रोड जाने चाहिए, सबको सुविधा हो, पर हमें तो कोई सुविधा ही नहीं है, तो हम उनको ये थोड़ी बोलेंगे तुम आप गाँव में आके पलायन करो, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर मरने के लिए छोड़ जाएंगे हम, वो थोड़ा बहुत अपने 2 रोटी खा रहे हैं, अब वो रोटी भी कहाँ से खाते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले सारे छूट गए, अब उनका भी लास्ट मसला गाँव में जाओ, अब गाँव में आना यहाँ भी मरने के लिए आना है, बीमारी भार मार रही है यहाँ जो है लोग जो है बेरोजगारी से मरेंगे, हमें वितरित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आलू हो चाहे राजमा हो चाहे ये रामदाना हो, कई चीज़ें ऐसे कि जैसे ये वो यहाँ पर हमारे मतलब बहुत अच्छी मात्रा में हो सकती है, पर लेकिन आवागमन के न होने से हमारा जो अभी हम सुबह गए 4 बजे यहाँ से गए, 4 बजे गए रात तो मतलब नीचे रोड में पहुँचे हम 9 बजे, तो आने जाने में हमको जो है 1 बजे हम यहाँ पहुँचे, 9.5 घंटे हमको आने जाने में लगे। वैसे मैं भी बीजेपी में कार्यकर्ता हूँ, रहता हूँ एजेंट रहता हूँ उनका, लेकिन उनसे कुछ नहीं, हमारे माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, अभी तक वो हमारा गांव तक नहीं देखा है। तो आप लोगों के शहर में पढ़ रहे हैं या जी नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी। अब यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, अगर तबीयत की खराब होती है तो फिर उनको ले जाएगा कौन? अरे सर कोई नहीं है, हम साथ दूसरे गांव से आजकल जब फोन की सौदा आता है उससे बुलाते हैं कि भाई को बुलाते हैं, भाई आ जाओ हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग ऐसा बीमार हो गया कुछ तबियत, बेचारे आते हैं रात को लाइट जलाते आते हैं, तो इनको जो है घूम में बुकाया या डंडी में ले जाके तब नीचे ले जाते हैं, सरकार आके हमें जहर दे दे मार दे बात खत्म, हम लिख दे देंगे जब हमें अगर रोड नहीं देती गवर्नमेंट, या तो हमारे सर यहाँ से जो अपने बूथ यहाँ से उठाए वो बूथ के लिए अपने वोट के लिए कैसे आते हैं, तब वो हमारे सकन वालों की गिनती कैसी होती है, उससे पहले गिनती कैसी नहीं होती है, भालू आता छोटे बच्चे इधर स्कूल में जाते कैसे जाएंगे, जंगल का रास्ता है यहाँ, विमोत है विमोत, हम बनने के लिए राजी हैं तैयार हैं, हम चाहे हमारी माँ है बहन है कोई है बच्चे हैं, हम सब जहर खाने के लिए तैयार हैं। सर उनके पास हर चीज़ की सुविधाएं हैं, मतलब जो भी मार्केट में जो आता है न्यू मतलब फॉर्म फूम आ गए तो उनको सब चीज़ का पता रहता है, उसके लिए हमें स्पेशल पता करने जाना पड़ता है मार्केट, रास्ते में जाएंगे तो भालू भूलू की डर तो होती है, बाघ भूख, मतलब यहाँ से 2 इंसान या 3 इंसान को बहुत ज़रूरी है साथ में चलना ही चलना, अकेला तो कोई चल ही नहीं पाता है, जिसके पास नहीं होंगे 2 इंसान तो उसको किसी को गाँव में बोलना पड़ता है, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं साथ में चलने के लिए, वरना लोग हाँ एक दिन हर्जा करके कौन जाएगा किसी और के साथ, किसी की गाय है भैंस है बकरी है वो उसको छोड़ के तो जा नहीं सकता है, इसलिए उन्हें पैसे तो देने पड़ते हैं। आप भेजेंगे वो यहाँ वो कहते हैं कि सकन के मीटर वो बिल भेज दे हमने, भाई किसके पास भेजे, किसके पास, उस आदमी का तो नाम बताओ हमें, कहाँ भेजे यहाँ गांव के, तो इतने गांव है इतना परिवार है यहाँ 14-15-16 परिवार। वजह क्या है? वजह क्या है कि ये पहले से बन के आ रखे यहाँ की भी, ये पहले से जब से मैं आया मैंने कभी यहाँ रीडिंग देखने वाले नहीं देखे, और अपने मन मर्जी का बिल भेज देते हैं। ओके नाने की वजह यही है कि यहाँ पैदल चलने के लिए कोई राजी है ही नहीं, वो जहाँ भी जाते अपनी बाइक स्कूटी में, यहाँ तो बाइक स्कूटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ जब आपने देखा ही होगा जब चढ़ना पड़ेगा तो एक छोटी हिमालय चढ़ना है तो फिर डाउन आना है समुद्र में, यहाँ इतने कष्ट का क्या करेंगे वो विधायक, क्या करेगा वो हमारा, ये बाल खोल गए हैं इतनी जिंदगी काटी हमने ऐसे, क्या किया उस विधायक ने हमारा, क्या किया वो ना, हमने हमारे फोट को मत खरीदा, कुछ नहीं होता है उसको, कुछ नहीं होएगा, ये है मेरे बाल ये फूल गए हैं, हमारे इतने बच्चे कहाँ जाएंगे, हमने तो खाया जैसे भी खाया, ये बच्चे क्या करेंगे, किसी को रोजगार नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, स्कूल बंद है, क्या करेंगे यहाँ, कल हॉस्पिटल जाना है नीचे, क्या हॉस्पिटल कैसे जाते हो, पैदल चल के जाते, कैसे जाऊँगा हॉस्पिटल, कौन जाएगा, बड़े आदमी हैं दोनों हैं, यहाँ से 10-20 किलोमीटर है हमारे बाजार, कैसे जाएंगे।